एक कप बेसन, एक चम्मच सूजी, एक चम्मच मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, एक चुटकी नमक, एक कप मैं पानी ले रही हूँ। धीरे धीरे करके इसमें पानी मिलाएंगे। एक कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से हम फेटेंगे। लड्डू बनाने के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये झारा मैं ले लूंगी, इसे नीचे नहीं रखना है, हमें थोड़ा ऊपर रखकर ये बैटर अपना डालना है। गर्मा गर्म बूंदी को हमें गर्म चाशनी में डालना है। 1/4 कप काजू उसमें डाल रही हूँ। अभी इसे ढककर हम तकरीबन 20 मिनट के लिए रखेंगे। लड्डू बनाने के लिए हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। बूंदी के लड्डू बनाते समय हमें ज्यादा प्रेशर लगाना होता है, तभी ये एक डेफिनेट शेप ले पाते हैं। वन टेबलस्पून घी, 1 कप राइस फ्लावर, 1/4 कप साबूदाना का आटा, 1 टेबलस्पून सूजी। धीमी आंच में हम इसे भूनेंगे। 1/4 कप नारियल का दूध, 1 चुटकी नमक, 2 टेबलस्पून पानी। इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। 1 टीस्पून घी, 1 टेबलस्पून चिरौंजी, 1 टेबलस्पून खसखस, 1 टेबलस्पून तेल, 1 कप नारियल, 1/2 कप गुड़, 1 टेबलस्पून दूध, 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। घरावन हमारा तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे मोदक। अच्छे से इसे मसल लेंगे। ये मैंने डो के राउंड बॉल्स बना लिए हैं। मोदक बनाने के लिए मैं सांचे का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक राउंड बॉल ले रही हूँ। एक कैविटी हमें बनानी है जिसमें हम अपना घरावन डालेंगे। इसे प्रेस कर देंगे। साइड से जो भी एक्स्ट्रा हमें डो दिख रहा है उसे हम निकाल देंगे। स्टीम करने के लिए मैंने इडली के मोल्ड में ये केले के पत्ते लगाए हैं और इसे थोड़ा ग्रीस कर दिया है। 12 मिनट स्टीम करने के बाद हमारे गर्मा गर्म मोदक तैयार है। अब हम इसमें गर्मा गर्म घी डालेंगे। 1/2 किलो बेसन हमने लिया है, ये मोटा वाला बेसन हमने लिया है। पहले बेसन छान लेंगे। 1 कप घी डालेंगे। अब इसे धीमी आंच में हमें भूनना है। बेसन से धीमी धीमी खुशबू आने लगी है, इसका कच्चा भा निकल गया है। बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है। बेसन को निकाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून घी, 1/2 कप सूजी, सूजी भी भून गए हैं, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 400 ग्राम बूरा इसमें डाल रही हूँ मैं। बूरा, बेसन, चीनी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इनके लड्डू बना लेते हैं। एक कप घी, जैसे 2 चम्मच घी मैं इसमें डालकर पहले गोंद को भूनूंगी। हमने 1/4 कप गोंद लिया था और ये भून कर काफी फूल गया है। 2 चम्मच घी में 2 टेबलस्पून मगज डाल रही हूँ इसमें। बादाम, 1/2 कप काजू, 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप खजूर, 3 टेबलस्पून घी, राजगीरा का आटा। धीमी आंच में हम भूनेंगे। इससे महक आने लगी है, इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया है। 1/2 कप धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून घी, 1/2 कप नारियल का बुरादा। सारी सामग्री कर देंगे। 1/2 कप बूरा, 1/2 कप गुड़, 2 टीस्पून पानी। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अच्छा हुआ हमारा घी डाल रही। 1 टीस्पून इलायची पाउडर। हाथों में हल्का सा घी लगाएंगे और लड्डू बनाएंगे।